अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दरअसल भरतपुर के दौरे पर है सूबे के मुखिया और दूसरा दिन आज मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल मॉर्निंग वॉक पर निकली हैं। बेहद खास तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दूसरा दिन है आज और मॉर्निंग वॉक पर निकली हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केवला देव घना में मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय बैठक भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आम लोगों के साथ सूबे की मुखिया भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रही हैं। केवला देव घना में मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। बहुत खास तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और देखिए अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से सूबे की मुखिया है, पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने आप के लिए वक्त निकालना बहुत खास हो जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य को लेकर कितने ज़्यादा सजग हैं, आप इस बात की जानकारी इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि भरतपुर के दौरे पर है, कई तरह के कार्यक्रम उनके होने हैं, लेकिन उसके बीच में भी अपने आप के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वक्त निकालना एक मैसेज आम लोगों के बीच में कि हम सभी को अपनी हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सजग रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। भरतपुर के दौरे पर है, आज उनका दूसरा दिन है भरतपुर के दौरे का और फिलहाल मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केवला देव घना में मॉर्निंग वॉक कर रही हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, क्योंकि तस्वीर बहुत खास है, फिलहाल मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रही है सूबे की मुखिया भजनलाल शर्मा, अपडेट जरा दीजिए। ये दो दिवसीय भरतपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, शहर का दौरा किया, विकास कार्यों की को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, उनकी समीक्षा की और सबसे बड़ी बात यह रही कल उन्होंने अपनी जो कुलदेवी है उनके दर्शन किए। आज उनका दूसरा दिन है और सुबह जो है मॉर्निंग वॉक को निकले हैं। हालांकि वो जो शास्त्री पार्क है वहाँ जाते हैं, लेकिन आज केवलादेव घने में घूमने के लिए आए हैं। बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर आते हैं उनका ध्येय भी है, उनका कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति हमेशा आदमी को वो रहना चाहिए। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय निकालने के बाद आज मॉर्निंग वॉक पर जो है गले पहुंचे और मॉर्निंग वॉक कर जी। बिल्कुल मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रही हैं रवि। अगर आज के कार्यक्रम को समझे, क्योंकि आज दूसरा दिन है उनके भरतपुर का दौरे का, कल निरीक्षण उन्होंने किया था, जानकारी ली थी तमाम विकास कार्यों को लेकर, आज पूरा कार्यक्रम समझा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए आज जो दूसरा दिन है उसमें अभी सुबह जो है मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, उसके बाद जो सर्किट हाउस में है जनसुनवाई करने का कार्यक्रम है। मैं सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे, लोगों की जो समस्या है, अभाव अभियोग है, उनको सुनेंगे। उसके बाद एक संभाग स्तरीय मीटिंग जो है अधिकारियों के साथ लेंगे। भरतपुर जिले के जितने भी संभाग है, करौली की बात की जाए, सवाई माधोपुर की बात की जाए, गंगापुर की बात की जाए, अजीत की बात की जाए, उन सभी संभागों के अधिकारी, जिले के अधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे जी। बिल्कुल, ये तो कार्यक्रम की बात हमने करी रवि। और अगर देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी, और उस बिजी शेड्यूल में से अपनी हेल्थ को लेकर किस तरह से सजग है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक के माध्यम से भी आम लोगों के बीच में भी एक संदेश, चाहे हमारा शेड्यूल कितना भी बिजी हो लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ की भरतपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, वहाँ भी कई बार आपने देखा होगा सेंटर पार्क में घूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमेशा इस मैसेज को देते हैं स्वस्थ जरूरी है आदमी के जीवन। अगर एक बार आदमी स्वस्थ रहता है तो पहला कहते हैं कि पहला सुख निरोगी का है, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है। तो आज खुद इस बात का संदेश जब मुख्य सुबह इस चीज को लेकर उत्साहित है मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी लोग पहुंचे, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले वो भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हो, कुछ सेल्फ कुछ जी। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं रवि जिस तरह से आम लोगों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो जुड़ाव रखते हैं उसकी भी तस्वीर नजर आ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य को लेकर संदेश और एक तरफ आम लोगों के साथ ही मॉर्निंग वॉक, तो वो और भी खास हो जाता है और वो दिखाता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बिहेवियर को, उनके व्यक्तित्व को, कि किस तरह से आम लोग उससे वो जुड़ाव रखती हैं, जमीन से जुड़ा उनका व्यक्तित्व है।
मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, तो उनके साथ जो है डीएफओ है माना सिंह, लगातार क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नए काम यहाँ किए गए हैं, क्योंकि इस बार थी तो स्वाभाविक है कि जो पानी है वो पानी आने में जब पानी अच्छा मिला तो हरियाली भी नजर आती है, जीव जंतु जो रहते हैं तो उसको लेकर भी सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है डीएफओ के साथ चर्चा भी। बिल्कुल रवि, देखिए सर्किट हाउस में आज जनसुनवाई भी होनी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभाग स्तरीय बैठक भी लेंगे, तो इनको लेकर भी जानकारी जरा दीजिए कितने बजे का ये कार्यक्रम रहने वाला है, कब बैठक होगी, कब जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई करने का कार्यक्रम 11 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है, हालांकि उसमें देरी भी हो सकती है, मुख्यमंत्री जो फिक्स 10 बजे 11 बजे करीब जनसुनवाई शुरू कर देंगे और लोगों का जो पहुँचना है वो भी सुबह से ही शुरू हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करे, अपनी जो समस्या है समस्या वो बताए जिससे उनका निराकरण हो सके। तो आज मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे और जब मुख्यमंत्री आते हैं भरपूर जनसुनवाई जरूर करते हैं, तो ये मुख्यमंत्री की पहला हमेशा नजर आता। बिल्कुल रवि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वापसी के कार्यक्रम की बात करें तो कब बन रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वापसी का कार्यक्रम? तो सहयोगी रवि ने विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करी कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का दिन रहने वाला है, क्या कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, सर्किट हाउस में जो सुनवाई करेंगे, कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय बैठक भी लेंगे, और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने ज़्यादा सजग है वो आप समझ पा रहे होंगे, अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए वक्त निकालना ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि तमाम ऐसी बड़ी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि एक पूरे राज्य को साथ लेकर चलने वाला वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना ज़्यादा सजग है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सर्किट हाउस में जनसुनवाई, जनता का दरबार यहां पर लगेगा, आम लोगों की परेशानियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर सुनेंगे, और कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय बैठक भी लेंगे और जिम्मेदारियां जो है वो यहां पर दी जाएगी, जानकारी भी लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किस तरह से कार्य यहां पर हो रहा है। और कल की अगर बात करें तो तमाम ऐसे विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण किया था, अधिकारियों से बातचीत की थी, उनसे फीडबैक लिया था, जानकारी उनसे ली थी कि किस तरह से कार्य यहाँ पर हो रही है और कैसे आगामी समय में भरतपुर जिले को वो अलग तरह से देखना चाहते हैं, जो उनका विजन है वो उन्होंने रखा था और किस तरह से वहां पर काम होना चाहिए उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए थे। और आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए जन सुनवाई करेंगे, कलेक्टर सभागार में समाज स्तरीय बैठक भी लेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को देंगे और उनसे जानकारी भी लेंगे, क्योंकि भरतपुर को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन बिल्कुल क्लियर और बहुत खास है, न केवल भरतपुर बल्कि पूरे राज्य को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से लगातार देखिए सजग नजर आती हैं, अधिकारियों को समय समय पर जिम्मेदारियां भी देते हैं और वक्त रहते रहते जब उनको लगता है कि यहाँ पर लताड़ने की जरूरत है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर सख्ती भी दिखाते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो दौरा है 2 दिवसीय दौरा, आज उसका दूसरा दिन है, देखिए बहुत खास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दूसरा दिन, किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं वो हम आपको बता रही हैं, जन सुनवाई होनी है, कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे और फिलहाल मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा। तो भरतपुर दौरे का दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहद खास कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, जन सुनवाई होनी है, समाग स्तरीय बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को।